ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अप्रपक्व बताते हुए उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच इस ऐलान के बाद हलचल मची हुई है। लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर आकाश आनंद कौन है, जिन्हें बीएसपी चीफ ने इतने बड़े पद दिए और एक ही पल में उनसे यह जिम्मेदारी वापस भी ले ली। पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के भतीजे हैं। उन्होंने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। वह बीते कई सालों से पार्टी में एक्टिव हैं और युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आकाश ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। राजनीति में आकाश की एंट्री साल 2017 में हुई थी। इसके बाद 2019 में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। वहीं साल 2022 में जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए तो बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। आकाश के काम से खुश होकर ही उन्हें 2023 के आखिर में मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश ने 28 अप्रैल को सीतापुर रैली में जो भाषण दिया, उसके बाद उन पर यह एक्शन हुआ और पार्टी के अहम पदों से उन्हें अप्रपक्व बताते हुए हटाया गया। ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए, बुलडोजर की सरकार है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है, हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना सच सामने आया। यूपी में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और यह देश में नंबर सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार के केसेस बच्चों के यहां उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐसी सरकार जो अपने बच्चों को भूखा रख ले, वो बर्दाश्त कर ले, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? नहीं है ना, बिल्कुल। परंतु साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंखें खोल बेटा, आंखें खोल और देख यूपी में क्या प्रगति हो रही है। तो हमने फिर देखा कि भाई कुछ रह गया हो, तो पता चला नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है,
तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है साथियों। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहां आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है।